अप्रैल मई में जब कोरोना पूरे देश में रफ्तार पकड़ रहा था और लोग अपने घरों में बंद थे, तब लोगों की आस हर उस कोरोना वॉरियर पर टिकी थी जो अपने घर से दूर देश को इस महामारी से बचाने का बीड़ा उठाए हुए थे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को देखते हुए 6213 हेल्थ वर्कर्स की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था, लेकिन उसे एक्सटेंड भी किया गया, लेकिन नवंबर जाते जाते सरकार ने आधे हेल्थ वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट अचानक खत्म कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बचे हुए लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी 31 दिसंबर तक खत्म कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के कोरोना वॉरियर्स न सिर्फ हताश हैं, बल्कि उन्हें अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है। नौकरी आज छीन रहे हैं, तुम्हारी क्या स्थिति रहेगी? जयश्री मिश्रा ने रीवा जिले में 11 मई को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ANM के तौर पर ज्वाइन किया था। उन्होंने 26 नवंबर तक सैंपलिंग का काम किया और 27 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गई। अगले ही दिन उन्हें पता चला कि राज्य सरकार ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। महीनों तक महामारी में काम करने वाली जयश्री एक झटके में बेरोजगार हो गई। ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। हम लोग डेली जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके संपर्क में आते थे। आज उनके काम, उनकी सेवा करते करते हम खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। मैं ICU में एडमिट हूँ। सरकार आज ये शासन हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि हम लोगों को बेरोजगार कर रही है, हम लोगों को नौकरी से बाहर कर रही है। आज ये मेरी हालत है। सीधी जिले की प्रियंका पटेल की जब नियुक्ति हुई थी तब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने इस काम को करना मंजूर किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार आगे उन्हें संविदा नियुक्ति दे सकती है। प्रियंका को सीढ़ी चढ़ने और दूर तक चलने में काफी तकलीफ होती थी। प्रियंका की 3 अक्टूबर को डिलीवरी हुई और प्रसव के एक दिन पहले तक वो ड्यूटी करती रही। प्रियंका का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन 31 दिसंबर तक होने की प्रबल संभावना है। नौकरी गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कोशिश की। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से समय तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिली। सरकार के पास बजट नहीं है और इन सभी कोरोना वॉरियर्स का भविष्य अधर में लटक चुका है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।